हेलो एवरीवन तो प्रॉब्लम्स इज राउंड द कॉर्नर और इंटरनेशनल रिलेशंस की एक मैराथन हमने इस चैनल पे करी है जिसमें हमने जनवरी टू फरवरी सारे करंट अफेयर्स डिस्कस किए थे इस पर्टिकुलर वीडियो में हम इंटरनेशनल रिलेशंस का पार्ट टू देखेंगे जिसमें मेजरली जो नए डेवलपमेंट्स हुए हैं इन द मंथ ऑफ मार्च एंड अप्रिल विल बी डिस्कसिंग दैट ऑल्सो थ्रू दिस वीडियो अगर कुछ रह गया है वो भी हम लोग जो है फिल्म पर्स्पेक्टिव से जो इम्पोर्टेंट है वो हम लोग कवर करने वाले हैं सो so, अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है आई वुड रिक्वेस्ट यू टू गो एंड वॉच इट डिटेल में जो है सारे इंटरनेशनल रिलेशन्स इम्पॉर्टेंट आपके साथ डिस्कस किए गए हैं सो लेट्स गेट स्टार्टेड ओके तो देखिए आईएमएफ न्यूज़ में रहा है काफ़ी राइट right? तो आईएमएफ हमें डिस्कस कर लेना चाहिए रीजन बीइंग आईएमएफ ने कई बेल आउट पैकेजेस दिए हैं चाहे वो श्रीलंका के बेल आउट पैकेज हों चाहे वो पाकिस्तान के बेल आउट पैकेजेस हों तो आईएमएफ के बारे में हमें कुछ बेसिक जानकारी होनी चाहिए तो जो कॉन्सेप्चुलाइजेशन है आई का वो ब्रेटन वुड्स कॉन्फ्रेंस में हुआ था और फाइनली नाइनटीन में आई की स्थापना हुई थी राइट प्लीज़ अंडरस्टैंड कि ये कहाँ पर है ये है वाशिंगटन डी में ये आपको याद रखना है और मेजर इसका काम ये है कि दुनिया भर में फाइनेंशियल स्टेबिलिटी स्टैब्लिश हो फाइनेंशियल स्टेबिलिटी से यहाँ मतलब क्या है कि जो फाइनेंस हैं वर्ल्ड के वो एक स्टेबल पोजिशन में रहें कंट्रीज बहुत ज़्यादा फाइनेंशियली फ्लक्चुएट ना करें देन मॉनिटरी कोऑपरेशन हो डिफरेंट कंट्रीज के बीच में इसके साथ साथ इंटरनेशनल कॉमर्स को बढ़ावा हो एंड एज अ बाई प्रोडक्ट एम्प्लॉयमेंट बढ़े और इकोनॉमिक प्रोग्रेस हो बट प्लीज़ रिमेंबर जो की वर्ड है वो यहाँ पर है फाइनेंशियल स्टेबिलिटी एंड मॉनिटरी कोऑपरेशन एक बात और याद रखेगा कि आईएमएफ जो है वो यूएन की स्पेशलाइज्ड एजेंसी है तो हम जानते हैं यूएन के ऑर्गन्स हैं और यूएन की एजेंसीज हैं तो आईएमएफ इज़ अ स्पेशलाइज्ड एजेंसी ऑफ यूनाइटेड नेशंस ओके ऑब्जेक्टिव्स uh, की अगर मैं बात करूं तो कीवर्ड्स याद रखें मॉनेटरी कोऑपरेशन फाइनेंशियल स्टेबिलिटी इंटरनेशनल ट्रेड को आसान करना अनएम्प्लॉयमेंट को कम कर एम्प्लॉयमेंट को बढ़ाना और ओवरऑल इकोनॉमिक प्रोस्पेरिटी दुनिया भर की बढ़ाना विच ब्राइट प्रोडक्ट क्या होगा कि दुनिया भर में गरीबी कम हो जाएगी दैट इज पॉवर्टी रिडक्शन ना ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर इसका कैसा है जैसा मैंने आपको पहले ही बताया कि ये यूएन की स्पेशलाइज्ड एजेंसी है हेड करने के लिए एट द टॉप वी हैव अ मैनेजिंग डायरेक्टर तो आई एम एफ मैनेजिंग डायरेक्टर इनको कहते हैं एंड इनका इलेक्शन होता है फॉर अ पीरियड ऑफ फाइव ईयर्स रिसेंटली मैनेजिंग डायरेक्टर हैं क्रिस्टलानिया जॉर्जीविया ये नाम आप याद रखें देन ऑल्सो इसके अलावा एक बोर्ड ऑफ गवर्नर्स होते हैं मिनिस्ट्रियल कमेटी होती है एग्जीक्यूटिव बोर्ड होता है ये एक इसका ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर है थोड़ा सा इसको याद रख लीजिए नाउ दिस इज़ वेयर इट गेट्स वेरी वेरी इम्पॉर्टेंट और ये आपको थोड़ा सा पता होना चाहिए क्योंकि ये बेल आउट का पूरा प्लान बेल आउट का पहली बात तो मतलब क्या होता है सो so, हम सब जानते हैं कि श्रीलंकन इकॉनमी वॉज स्ट्रगलिंग बहुत ज़्यादा हालत ख़राब थी हम सब ने देखा देन ऑल्सो पाकिस्तान लॉट ऑफ प्रॉब्लम्स गोइंग ऑन इन पाकिस्तान स्पेसिफिकली इन द इकोनॉमिक सिनारीो तो बेल आउट पैकेज एक तरह से आप ये समझ लीजिए कि वो डोबते को तिनके का सहारा है जिससे इकॉनमी को पूरी तरह से बर्बाद होने से ये कंट्रीज बचा सकती हैं तो दैट बेल आउट पैकेज इज़ लाइक अ रिलीफ टू दीज कंट्रीज ताकि वो अपनी एक नई शुरुआत कर सकें इसको आप ऐसे समझ सकते हैं तो प्लीज़ की पॉइंट्स इसके याद रखें ये कैसे काम करता है इसको थोड़ा सा समझ लेते हैं सबसे पहले ज़रूरत क्यों पड़ती है आपको आई एम एफ बेल आउट की वाई एट ऑल डू यू नीड आई एम एफ बेल आउट ये तब होता है जब कंट्री की खुद की सेंट्रल बैंक्स बहुत ही मिसमैनेजमेंट कर रही हूँ किसी रीजन से बहुत ज़्यादा आपने मनी प्रिंटिंग कर लिया है जिसकी वजह से मनी सप्लाई बढ़ गया इकोनॉमिक्स का बेसिक बेसिक है कि अगर मनी सप्लाई आपने बढ़ा दिया तो दैट विल लीड टू प्राइस राइस राइट दे वुड बी टू मच मनी चेजिंग टू फ्यू गुड्स ये सब हम आपको इस चैनल पर भी पढ़ा कर आए हैं तो इससे क्या होगा इन्फ्लेशन आपके हाथ से बाहर निकल जाएगा और इतना ख़राब हो जाएगा कि आपकी जो करेंसी है उसकी वैल्यू ही खत्म हो जाएगी दे वुड बी नो फॉरन एक्सचेंज रिजर्व्स राइट ऐसा कुछ हमने देखा था कि श्रीलंका के केस में हुआ अफकोर्स कुछ एक्सटर्नल फैक्टर्स भी हो सकते हैं जैसे श्रीलंकन इकोनॉमी की अगर हम बात करें तो वो काफ़ी टूरिज्म लेड है और कोविड नाइन्टीन और उससे पहले ईस्टर बॉम्बिंग्स इन सब की वजह से श्रीलंका की इकोनॉमी जो टूरिस्ट पर डिपेंडेंट है उसको काफ़ी धक्का लगा था क्योंकि टूरिज़्म बहुत कम हो गया था तो ऐसे सिनारी में आपके पास कोई मदद नहीं कोई ऑप्शन नहीं बचता बट आप क्या लेते हो बेल आउट बेल आउट मतलब वो एक्सटर्नल डेट उधार जो आप किससे लेते हैं आईएमएफ से ये ध्यान रखिएगा अच्छा आईएमएफ जो है ये कैसे करती है तो आईएमएफ एम में एक एस डी आर होता है विच इज़ स्पेशल ड्रॉइंग राइट्स तो देखिए एस डी आर क्या है एस डी आर एक बास्केट ऑफ करेंसीज है वो करेंसी जो दुनिया की सबसे इम्पॉर्टेंट या uh, सबसे मोस्ट पॉपुलर uh, जो है करेंसीज हैं जैसे कि यू एस डॉलर यूरो चाइनीज यूआन जापनीज येन एंड ब्रिटिश पाउंड ये पाँच करेंसीज मिल के एस डी आर की बास्केट बनाती हैं तो इस एस डी आर इसको ऐसे समझिए एस अपने आप में कोई करेंसी नहीं है राइट right? एस एक डिनोमिनेशन है ऑफ ऑल दीज करेंसीज इन सब करेंसीज से मिलकर एस बनता है स्पेशल ड्रॉइंग राइट्स तो इस एस का इस्तेमाल कर जैसे हम सामान खरीदते बेचते हैं पैसे का इस्तेमाल करके वैसे इस एस का इस्तेमाल कर सामान खरीदा और बेचा जा सकता है तो याद रखिएगा कि एस में कौन कौन सी करेंसीज आती हैं यू एस डॉलर यूरो चाइनीज यूआन जैपनीज यिटिश पाउंड आई एम एफ जो बेल आउट देता है तो वो कंडीशनल होता है कंडीशनल मतलब आपको कहा जाता है कि भैया अब आप आपको क्या है अपने यहाँ पर कोई स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स लाने पड़ेंगे यानी इकोनॉमी में कोई मेजर चेंज करवाएगा आई एम एफ आपसे तभी ये मनी आपको दिया जाता है देर आर सम कंडीशन दैट यू हैव टू फॉलो इफ यू आर वॉन्टिंग बेल आउट पैकेजेस फ्रॉम आई एम एफ तो ये एक ब्रीफ ओवरव्यू था ताकि आपको आई एम एफ के बारे में पता हो थोड़ा सा ऑब्जेक्टिव क्लियर होने चाहिए बिकॉज टाइम एंड अगेन आई न्यूज में रहता है नेक्स्ट इज अबाउट दोहा पोलिटिकल डेक्लेन ऑन एल डी सीज एल डीसी क्या है लीस्ट डिवेलप्ड कंट्रीज तो पहले देख लेते हैं न्यूज क्या है तो देखिए यूनाइटेड नेशंस की कॉन्फ्रेंस ऑन लीस्ट डेवलप्ड कंट्रीज हुई थी और ये कौन से नंबर की है फिफ्थ नंबर की की बात आपको क्या याद रखनी कि इससे एक डेक्लेन निकल कर आया विच इज़ कॉल्ड दोहा पोलिटिकल डेक्लेशन अब ये है क्या तो दोहा पोलिटिकल डेक्लेशन एक प्लान ऑफ एक्शन है जो एक दस साल का प्लान बना रहा है दस साल कैसे ट्वेंटी ट्वेंटी टू वॉज द ईयर वेन दिस स्टार्टेड तो एक पूरा डेकेड फ्रॉम ट्वेंटी ट्वेंटी टू टू ट्वेंटी थर्टी वन सो टेन ईयर्स का एक पूरा टाइम प्लान लिया गया है जिसमें वो फोर्टी सिक्स कंट्रीज जो सबसे ज़्यादा वनोरेबल हैं उनकी अचीवमेंट को उनके प्रोग्रेस को ट्रैक किया जाएगा इन द सेवेंटीन एस मैं उम्मीद कर रही हूँ कि अभी तक आपने सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स पढ़ लिए होंगे कई बार इसी चैनल पर भी डिस्कस हुए हैं आपको डेफिनेटली प्रिपेयर कर लेने चाहिए फिल्म पर्स्पेक्टिव से ऑलवेज इंपॉर्टेंट रहते हैं एस तो ये फोर्टी कंट्रीज़ की प्रोग्रेस ट्रैक की जाएगी अब देखिए स्पेसिफिक क्वेश्चन आएगा आपसे पूछेंगे प्रोग्रेस इन वॉट या एक स्टेटमेंट दे, दे देंगे कि दोहा पॉलिटिकल डिक्लेरेशन डील्स विथ सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स ट्रैकिंग ऑफ एल तो उस समय जब तक आपको नहीं पता है की पॉइंट तब तक आप आंसर नहीं कर पाएंगे तो मार्च में ये कॉन्फ्रेंस हुई थी जिसमें ये डिसाइड किया गया था कि भैया हमें अगले दस सालों में इन फोर्टी कंट्रीज की प्रोग्रेस को ट्रैक करना है इन दीज एसडीजीज अब सवाल ये आता है कि एल होते क्या हैं वट यू मीन बाई लीज डिवेलप्ड कंट्रीज तो देखिए कुछ तो नाम से ही समझ में आ रहा है ऐसी कंट्रीज़ जो सोशो इकोनॉमिक डेवलपमेंट इंडिकेटर्स में बहुत लो परफॉर्म कर रहे होंगे यानी बहुत ज़्यादा गरीबी होगी ह्यूमन कैपिटल में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होगी बेसिक सर्विसेज नहीं होगी हेल्थ एजुकेशन का प्रॉब्लम रहेगा सो बेसिकली ये समझ लीजिए दुनिया की वो कंट्रीज़ जो डिवेलपमेंट की स्केल में सबसे नीचे हैं उनको हम लीस्ट डिवेलप्ड कंट्रीज़ कहेंगे बट प्लीज़ रिमेंबर ये डेवलपमेंट सोशल और इकोनॉमिक दोनों ही इंडिकेटर्स में लो परफॉर्म करेंगे तो अफ्रीका में जैसे थर्टी थ्री ऐसी कंट्रीज़ हैं एशिया में नाइन है कैरेबिया में वन है पैसिफिक में कुछ आइलैंड नेशंस हैं ऐसे करके टोटल फोर्टी सिक्स कंट्रीज हैं यूएन की एलडीसी लिस्ट में अब देखिए क्या होता है ऐसा नहीं कि ये जो लिस्ट है ये फुल एंड फाइनल है हर तीन साल में इस एल लिस्ट को रिव्यू किया जाता है ये देखने के लिए कि क्या अभी भी किसी कंट्री को उसमें रहना ज़रूरी है या उससे उस लिस्ट से, उस से बाहर निकाल सकते हैं या फिर कोई और कंट्री है जिसको इस लिस्ट में डालना है सो एवरी थ्री इयर्स ये रिव्यू होता है राइट right? और कौन करता है कमिटी फॉर डेवलपमेंट पॉलिसी तो ये एक इंडिपेंडेंट एक्सपर्ट ग्रुप है जो रिपोर्ट किसको करता है इकोसॉक को इकोसॉक इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल जो कि क्या है ऑर्गन ऑफ यू तो ये हर तीन साल के रिव्यू के बाद कमिटी फॉर डेवलपमेंट पॉलिसी बताती है कि भैया आपको किसी कंट्री को इसमें डालना चाहिए या फिर उसको निकाल देना चाहिए ये जो है तरीका होता है अब इसी डेवलपमेंट में क्योंकि कनेक्टेड टॉपिक है हम इसको देख लेते हैं एक कंट्री ऐसी है जो इस लिस्ट से बाहर निकलने वाली है और कब निकलने वाली है दिसंबर थर्टीन ट्वेंटी ट्वेंटी थ्री और वो कंट्री है हमारी नेबर भूटान राइट सो so, जैसा कि मैंने आपको कहा कि एलडीसी लिस्ट रिव्यू होती है हर तीन साल में और सीपीडी रेकमेंड करता है कि भैया आप इस कंट्री को हटा दीजिए या ये नई कंट्री इसमें डाल दीजिए तो क्राइटेरिया क्या है कैसे पता चलता है एग्जैक्टली exactly आपने कह तो दिया सोशो इकोनॉमिक डेवलपमेंट में आप कम परफॉर्म कर रहे हैं बट एग्जैक्टली क्राइटेरिया क्या है तो देखो ये याद रखना है इट मस्ट है जी एन पर कैपिटा बिलो द थ्रेश होल्ड ऑफ यू डॉलर वन टू थ्री तो तीन साल की एवरेज में अगर आपका पर कैपिटा यूएस डॉलर वन टू थ्री जीरो से कम आ रहा है तो ये पहला इंडिकेटर है देन जो भी ह्यूमन असेट इंडेक्स हैं जैसे कि न्यूट्रिशन जैसे कि हेल्थ जैसे कि एजुकेशन अगर इसमें आप बहुत बुरा जो है परफॉर्म कर रहे हैं और इकोनॉमिक वान्योबिलिटी है जैसे नेचुरल डिजास्टर्स या आपकी इकोनॉमिक जो फ्रेमवर्क है उसमें बड़ी सारी तकलीफें हैं जिस वजह से बाकी सारी प्रॉब्लम्स फ्यूल होती है तो अगर ये तीनों इवेल्यूएट करके सी को लगता है दैट यू शुड बी अ पार्ट ऑफ एल बिकम अ पार्ट ऑफ एलडीसी। अगर उनको लगता है कि अब आप ये क्राइटेरिया से ऊपर उठ चुके हैं ठीक हो चुके हैं तो आपको हो सकता है इसमें से बाहर भी निकाला जा सके बट प्लीज रिमेम्बर इसमें सब सब कुछ होना चाहिए मतलब ऐसा नहीं कि सिर्फ वन हो गया तो यू विल बी एन एल ऑल थ्री में अगर प्रॉब्लम है तभी आप एल की लिस्ट में जाते हैं तो कोई भी कंट्री वैसे एल लिस्ट में क्यों जाती होगी ऑब्वियसली इसके बहुत सारे मॉनिटरी बेनिफिट हैं हेल्प मिलती है आपको ग्रांट्स मिलते हैं राइट right? बट आफ्टर अ पॉइंट ऑफ कॉर्स अ कंट्री वुड वॉन्ट टू मूव आउट ऑफ इट एंड बी नॉट कॉल्ड एल डी सी और ऐसा ही भूटान के साथ हो रहा है इट विल नो लॉन्गर बी इन द लिस्ट ऑफ लीस्ट डिवेलप्ड कंट्रीज तो एक बड़ी खबर आई है आई सी सी यानी इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट से तो देखिए हुआ क्या है और इसके क्या बैकग्राउंड आस्पेक्ट एग्जाम्स के लिए इंपॉर्टेंट है देखते हैं तो न्यूज़ ये है कि व्लाडिमिर प्यूटिन के अगेंस्ट एक अरेस्ट वारंट निकाला है आई सी सी आईसीसी यानी इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट ने राइट right? और एक और रशियन ऑफिशियल के अगेंस्ट ये अरेस्ट वारंट आया है और ऐसा पहली बार हुआ है कि आई ने पी यानी परमानेंट फाइव मेंबर्स कंट्री में से किसी के अगेंस्ट अरेस्ट वारंट निकाला है रीजन क्या दिया गया रीजन ये दिया गया कि जो वॉर चल रही है रशिया और यूक्रेन के बीच में उसमें अनलॉफुली व्लाडिमिर प्यूटिन ने कई बच्चों को यूक्रेन के ऑक्यूपाइड एरिया से डिपोर्ट किया राइट right? एंड कहां ले आए रशिया सो so, ये क्राइम माना गया है ऑफकोर्स और इसके तहत व्लाडिमिर पुटिन के अगेंस्ट एक अरेस्ट वारंट आया है तो क्या इससे जुड़ी चीजें हैं जो आपको ध्यान रखनी है एक बार समझते हैं सबसे पहले आप ये समझिए कि इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट क्या है तो इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट जिस स्टैचू से बना था वो है रोम स्टैचू एक तो ये क्वेश्चन आपसे पूछ सकते हैं कि 1998 में ये रोम स्टैचू अडॉप्ट किया था 120 स्टेट्स ने आइडिया ये था कि ना हमें एक जस्ट स्टेट बनाना है हमें एक अच्छी दुनिया बनानी है जहाँ पर क्राइम ना हो जहाँ पर अग्रेशन ना हो और ह्यूमैनिटी के रिस्पेक्ट हो तो 1998 में इसको जो है अडॉप्ट किया गया लेकिन इसको कंट्रीज ने सिक्सटी स्टेट्स ने रेटिफाई किया जुलाई टू 20, में जिसकी वजह से फाइनली 2002 में ICC की एस्टैब्लिशमेंट हुई सिग्नेचर इज डन बाय ऑफिशियल्स एंड रेटिफिकेशन इज डन बाय स्टेट लेजिस्लेचर तो रेटिफिकेशन जब हो गया तब हम ये कह सकते हैं कि भैया अब जो है ICC फंक्शनल हो गई अब एक बात याद रखिएगा कि ICC जो है पीछे जाके जजमेंट नहीं दे सकती रेट्रोएक्टिव ज्यूरिसडिक्शन इसका नहीं है तो 2002 1st ऑफ जुलाई 2002 ऑनवर्ड्स जो क्राइम रहेंगे उस पर ICC का ज्यूरिसडिक्शन है उससे पहले वाले ईयर्स में अगर कुछ हुआ था तो उसका जूरिस्डिक्शन आईसीसी के पास नहीं है अच्छा ये स्पेसिफिक याद रखिएगा कि रोम स्टैच्यू में आईसीसी को कौन से क्राइम्स के तहत ज्यूरिस्डिक्शन है पहले तो रोम स्टैच्यू ध्यान रखें किससे स्टैब्लिशमेंट हुआ आईसीसी का ये पूछ सकते हैं तो एक है द क्राइम ऑफ जेनोसाइड जेनोसाइड हम जानते हैं जब एक पर्टिकुलर रिलीजियस एथनिक रेशियल ग्रुप के अगेंस्ट क्राइम होते हैं उसको हम जेनोसाइड कहते हैं विद द एम ऑफ टारगेटेड जो है आप रिमूवल करना चाहते हैं एक पूरे रिलीजन का या एक पूरे रेस का तो जैसा कि हम जानते हैं इन द केस ऑफ नाजी जर्मनी तो वो हो गया जेनोसाइड ऐसे हिन्स क्राइम जो ह्यूमैनिटी के अगेंस्ट हैं दैट वुड बी क्राइम अगेंस्ट ह्यूमैनिटी वॉर क्राइम्स तो वॉर के कुछ रूल्स हैं वॉर के कुछ स्टैचूज हैं कुछ ट्रीटीज हैं अगर आप उसकी रिस्पेक्ट नहीं कर रहे तो वो वॉर क्राइम में आएंगे एंड फाइनली क्राइम ऑफ अग्रेशन प्लीज याद रखें जेनोसाइड क्राइम अगेंस्ट ह्यूमैनिटी वॉर क्राइम एंड क्राइम ऑफ अग्रेशन ये चारों रोम स्टैचू में आईसीसी को ज्यूरिस्डिक्शन दिया गया है इन चार के लिए ओके नेक्स्ट इज प्लीज रिमेंबर ये दुनिया की पहली इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट है सो क्रिमिनल डायमेंशन में हमारे पास एक ही कोर्ट है जो पूरी दुनिया के लिए जो आईसीसी काम करती है ये याद रखिएगा And 123 countries are party to Rome's statue, but here is the important point: India is not a party to it, US is not a party to it, China is not a party to it, और आगे हम देखेंगे, Russia also is not a party to it. तो हमारे लिए हमको क्या याद रखना है कि India ने Rome's statue को sign नहीं किया है। Idea ये था ICC बनने का कि वो लोग, वो individuals जिन्होंने कुछ बहुत ही घटिया हीनियस क्राइम किए हैं और उनकी कंट्री की लीगल मशीनरी उनको जो है पनिश नहीं कर पा रही सज़ा नहीं दे पा रही तब आईसीसी जो है एक्शन में आएगी बट प्लीज़ प्लीज़ रिमेंबर कई बार हम कंफ्यूज हो जाते हैं कि इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस और इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट में क्या अंतर है तो देखिए दोनों अलग अलग हैं इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस स्टेट से डील करता है इंटर स्टेट डिस्प्यूट से डील करता है कंट्रीज से डील करता है इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट कभी किसी कंट्री को प्रोसिक्यूट नहीं करेगा वो हमेशा इंडिविजुअल को प्रोसिक्यूट करेगा तो ये जो अरेस्ट वारंट आया है किसके अगेंस्ट आया व्लाडिमिक्यूटन के अगेंस्ट आया इंडिविजुअल के अगेंस्ट आया? तो इसमें हमेशा प्रोसिक्यूट कौन किया जाएगा इंडिविजुअल किया जाएगा ये याद रखेंगे एज आई सेड प्लीज रिमेंबर इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस इज अ पार्ट ऑफ यूएन सिस्टम इट इज़ एन ऑर्गन ऑफ यू एन छः ऑर्गन में से एक है आई सी सी यू एन सिस्टम का पार्ट नहीं है रोम स्टैचू से बनाई हुई, हुई एक एक सेपरेट अग्रीमेंट से बनाई हुई एक डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशन है जो यू एन का ऑर्गन नहीं है जबकि आई सी जे क्या है यू एन का ऑर्गन है ऑल्सो रिमेंबर आई सी जे क्या करता है वो डिस्प्यूट्स देखता है इंटर स्टेट डिस्प्यूट्स तो इसका जूरिस्टिक्शन कंट्रीज़ के ऊपर आएगा और इसका जुरिस्डिक्शन इंडिविजुअल्स के लिए आएगा इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट ना एक दो बातें और यहां आपके काम आ सकती हैं तो क्वेश्चन ये आता है कि क्या आईसीसी ऐसे रशिया के प्रेजिडेंट को प्रोसिक्यूट कर सकती है तो पहले तो याद रखेगा कि रशिया जो है उसने रोम स्टैचो साइन नहीं किया हुआ तो डायरेक्टली आईसीसी का कोई ज्यूरिस्डिक्शन नहीं है रशियन टेरिटरी पर बट एक बात और है रोम स्टैचू ये भी कहता है कि आप उन कंट्रीज़ के इंडिविजुअल्स के अगेंस्ट भी इन्वेस्टिगेशन और प्रोसिक्यूशन कर सकते हैं जिन्होंने क्राइम आपकी साइन किए हुए स्टेट के अगेंस्ट किया हो तो अगर यूक्रेन के अगेंस्ट प्रोसिक्यूशन हुआ रशिया ने किया लेकिन अगर रशिया ने सिग्नेचर नहीं किया है रोम स्टैचू को कोई बात नहीं अगर यूक्रेन ने भी किया हुआ है तो इसकी प्रोटेक्शन के लिए आप रशियन टेरिटरी में रह रहे लोगों के खिलाफ इन्वेस्टिगेशन और प्रोसिक्यूशन कर सकते हैं बट यहां पर भी एक कैच है मैंने क्या बोला अगर यूक्रेन रोम स्टैचू का पार्ट है तो बट यूनोव यूक्रेन ने भी रोम स्टैचू साइन नहीं किया है तो अब यहां से आपसे ट्रिक क्वेश्चन पूछेंगे कि रशिया हैज नॉट साइन द रोम स्टैचू बट यूक्रेन हैज नहीं, नहीं। यूक्रेन ने भी इसने इसको साइन नहीं किया है तो फिर सवाल आता है कि अरेस्ट वारंट कैसे इशू हो गया आपने तो कहा था मैम कि एक पार्टी शुड बी अ पार्ट ऑफ रोम स्टैचू इसीलिए किया है क्योंकि एक इंडिविजुअल ट्रीटी के तहत यूक्रेन ने चाहे रोम स्टैचू को फुली अडॉप्ट नहीं किया है बट उसके एक पर्टिकुलर आर्टिकल के तहत ये कहा है कि हम एक्सेप्ट करते हैं रोम स्टैचू के तहत आईसीसी का जुरिस्टिक्शन ऑन सम स्पेसिफिक क्राइम्स तो हम हंड्रेड परसेंट आईसीसी का पार्ट नहीं है बट हम जुरुस्डिक्शन एक्सपेक्ट एक्सेप्ट करते हैं जो है हम इसमें पार्टी लेते हैं ऑन सम स्पेसिफिक क्राइम्स और उनमें से ये क्राइम्स आ रहे हैं तो क्योंकि उस पर्टिकुलर आर्टिकल ट्वेल्व क्लॉस थ्री के तहत उन्होंने अपना जुरुस्डिक्शन एक्सेप्ट किया है आई का इसीलिए रशिया के प्रेजिडेंट के अगेंस्ट आई अरेस्ट वारंट निकाल पाया बट आपको याद क्या रखना है इंडिया इज नॉट अ पार्टी टू इट रशिया इज नॉट अ पार्टी टू इट चाइना इज नॉट अ पार्टी टू इट एंड इवन यूक्रेन इज नॉट अ स्टेट पार्टी टू रोम स्टैटो बट इट हैज साइंड अ स्पेसिफिक यू नो यू कैन से अ डील और ट्रीटी टू अग्री टू सम पार्ट्स ऑफ जूरिस्डिक्शन ऑफ रोम स्टैटो एंड दैट इज वाई ये हो पाया आई होप ये टॉपिक क्लियर आपको हुआ होगा इट्स एन इम्पॉर्टेंट टॉपिक इससे सवाल बन सकता है आईसीसी और आईसीजी का डिफरेंस भी आपने याद रखना है ओके okay, अब बात करते हैं न्यू डेवलपमेंट बैंक एक क्विक इन्फॉर्मेशन है पहली बात न्यू डेवलपमेंट बैंक विच इज ऑल्सो नोन एज द ब्रिक्स बैंक क्योंकि ब्रिक्स के तहत बनी है ब्राज़ील रशिया इंडिया चाइना एंड साउथ अफ्रीका ये मिला के क्या बनाते हैं ब्रिक्स तो न्यूज़ ये है कि इन्होंने अपने नए प्रेसिडेंट जो है घोषित किए हैं और वो है ब्राजील के फॉर्मर प्रेसिडेंट दिल्मा वाना तो नाम याद रखेंगे दिल्मा वाना रुसोफ हु द न्यू प्रेसिडेंट ऑफ द न्यू डेवलपमेंट बैंक अब थोड़ा सा आपको न्यू डेवलपमेंट बैंक के बारे में पता होना चाहिए बिकॉज इट इज इन न्यूज ड्यू टू दिस रीजन कहाँ पर है शंघाई 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 चाइना में इसका हेड क्वार्टर है पहले तो ये याद रखें अब ये कब बनी थी जी ब्रिक्स की एक समिट के दौरान कौन सी समिट सिक्स्थ समिट कहां पर हुई थी ये फोटालेजा और इसीलिए ये बैंक आई फोटालेजा डेक्लेशन से और इसने काम करना स्टार्ट किया 2015 से तो क्विक रिकैप न्यू डेवलपमेंट बैंक का हेडक्वार्टर कहां है शंघाई में ब्रिक्स ने सिक्स्थ ब्रिक्स समिट के तहत फोटालेजा में एक फोटालेजा डेक्लेशन साइन किया 2014 में टू थाउजेंड में जो है ये फंक्शनल हो गई ऑब्जेक्टिव पे कई बार क्वेश्चन पूछ लेते हैं तो मेजर ऑब्जेक्टिव इसका क्या है इंफ्रास्ट्रक्चर और सस्टेनेबल डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स को फंड करना कहा पर जो भी इमर्जिंग मार्केट्स हैं जो भी डिवेलपिंग कंट्रीज हैं वहां पर कौन कौन से बोले मैंने रिसोर्सेस किसके लिए इंफ्रास्ट्रक्चरल डेवलपमेंट और सस्टेनेबल डेवलपमेंट के लिए किन कंट्रीज में वो कंट्रीज जो इमर्जिंग हैं या वो कंट्रीज जो डेवलपिंग हैं अब देखिए एक क्वेश्चन और आता है कि न्यू डेवलपमेंट बैंक के मेंबर्स कौन कौन से हैं अब इसको याद रखना बड़ा आसान है एक तो ब्रिक्स दैट इज ब्राजील रशिया इंडिया चाइना साउथ अफ्रीका उसके अलावा बांग्लादेश यूए और इजिप्त तो तीन इसमें ऐड कर दें बांग्लादेश यू और इजिप्त तो ब्रिक्स को बुआ ने ज्वाइन कर लिया था ने ब्रिक्स ज्वाइन कर लिया और न्यू डेवलपमेंट बैंक बना लिया बुआ ने न्यू डेवलपमेंट बैंक बनाने के लिए ब्रिक्स को ज्वाइन कर लिया सो बांग्लादेश यूए एंड ईजिप्ट। जस्ट फॉर योर रिमेंबरेंस सेक अच्छा रीजनल ऑफिस कहाँ हैं इसके जोहानसबर्ग पोलो, मॉस्को गिफ्ट सिटी नॉट वेरी इंपॉर्टेंट अगर आप क्वार्टर ध्यान लेंगे तो वो भी आपका काम हो जाएगा ना वेरी वेरी इंपॉर्टेंट इंडिया में कुछ प्रोजेक्ट्स चल रहे हैं जो आपको पक्का से पता होना चाहिए एक तो मेरठ रीजनल रैपिड ट्रांजिट सिस्टम राइट देन चेन्नई एंड मुंबई मेट्रो प्रोजेक्ट अच्छा एक बात याद रखिएगा जो मेरठ का आर आर टी एस पी सिस्टम है इसको को फाइनेंस किया है एशियन डेवलपमेंट बैंक और ए आई आई बी ने ठीक है एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक और एशियन डिवेलपमेंट बैंक इसको को फाइनेंस कर रहे हैं ये भी याद रखिएगा इसके अलावा कोविड नाइन्टीन इमरजेंसी प्रोग्राम लोन भी दिया गया था ताकि हम रिकवर कर सकें शेयर होल्डिंग थोड़ी सी याद रखें हर कंट्री के पास जो ब्रिक्स की मेंबर है 18.98 परसेंट शेयर्स हैं बांग्लादेश के पास 1.79 परसेंट है हमारी जो बुई थी इजिप्ट के पास 2.7 परसेंट है और यू के पास 1.06 परसेंट है तो इवन इफ यू आर नॉट एबल टू रिमेंबर एग्जैक्ट आप थोड़ा थोड़ा याद रख सकते हैं कि ब्रिक्स के पास सारे के पास बराबर शेयर है और बाकी में सबसे ज़्यादा इजिप्ट के पास है नेक्स्ट बांग्लादेश के पास और उसके बाद यू के पास क्विक फैक्ट्स हैं याद रखें न्यू डेवलपमेंट बैंक हेडक्वाटर शंघाई कब स्टार्ट हुआ 2014 थाउजेंड फोर्टीन के फर्टिलाइजर डिक्लेरेशन से काम करना कब स्टार्ट किया 2015 से ऑब्जेक्टिव में कि याद रख लीजिए भैया हमें जो है रिसोर्स मोबिलाइज करना है किसके लिए इंफ्रास्ट्रक्चर और सस्टेनेबल डेवलपमेंट के लिए वेरी गुड नेक्स्ट इज अबाउट रायसना डायलॉग तो वेरी रिसेंटली रायसना डायलॉग का एट्थ एडिशन हुआ है न्यू डेली में इसीलिए इम्पॉर्टेंट हो जाता है तो देखिए रायसना डायलॉग बेसिकली हमारी एक ऐसी कॉन्फ्रेंस होती है जिसमें हम जियो पॉलिटिक्स और जियो इकोनॉमिक डिस्कस करते हैं ऑन अ वाइड प्लेटफॉर्म राइट तो दुनिया को दुनिया भर में जो चैलेंजेस हैं जियो पॉलिटिक्स के चैलेंजेस जियो इकोनॉमिक के चैलेंजेस वो इस डायलॉग में डिस्कस किए जाते हैं पहली बार 2016 में ये हुआ था और ऐसा नहीं कि डायलॉग दुनिया में पहली बार हो रहा है ऐसा एक सिमिलर डायलॉग शंगरीला डायलॉग जो सिंगापुर में होता है इसके अलावा एक म्यूनिच सिक्योरिटी कॉन्फ्रेंस होती है राइट तो ये ऐसे डायलॉग्स पूरे दुनिया भर में होते हैं जहाँ दुनिया भर के विद्वान आते हैं और एक तरह से आप कह सकते हैं कि थिंक टैंक की तरह ये काम करते हैं जहाँ पर जियो पॉलिटिक्स और जियो इकोनॉमिक इश्यूज़ डिस्कस होते हैं सोल्यूशन ओरिएंटेशन ओरिएंटेड जो है डायलॉग्स होते हैं जिससे कोई ना कोई सल्यूशंस निकालने की कोशिश की जाती है ऑफ द वर्ल्ड प्रॉब्लम्स पक्का से आपको याद रखना है कि इस बार ऑन द साइड ऑफ रायसेना डायलॉग इंटेलिजेंस एंड सिक्योरिटी चीफ्स ने पार्टिसिपेट किया था 26 से भी ज्यादा कंट्रीज के इंटेलिजेंस और सिक्योरिटी चीफ्स ने रायसेना डायलॉग में पार्टिसिपेट किया एक क्वेश्चन और पूछते हैं इसको कराता कौन है तो देखिए ये एम ई ए दैट इज मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स प्लस ऑब्जर्वर रिसर्च फाउंडेशन मिलकर कराते हैं इट इज को होस्टेड बाय एम ई एंड ऑब्जर्वर रिसर्च फाउंडेशन अच्छा इसको रायसेना डायलॉग क्यों कहते हैं बिकॉज uh, ये जहाँ होता है जो इंडिया का प्राइमरी पावर हाउस है जहाँ राष्ट्रपति भवन है प्राइम मिनिस्टर्स ऑफिस है ये सारे जो एरिया ये सारा जो एरिया है उसको रायसेना हिल्स कहते हैं राइट इंडिया का सीट ऑफ पावर कह सकते हैं आप इसे उसके नाम से इसका नाम पड़ा रायसेना डायलॉग थीम प्लीज याद रखिएगा प्रोवोकेशन अनसर्टनटी एंड टर्ब्यूलन्स बिकॉज दैट्स हाउ द वर्ल्ड हैज़ बीन लाइट हाउस इन टेम्पेस्ट प्रोवोकेशन अनसर्टनटी टर्ब्यूल्स लाइट हाउस इन द टेम्पेस्ट

भारत को अपनी एक वॉइस मिले एक इंडिपेंडेंट रिसर्च क्रिएट किए जा सके जिसमें यू नो पार्टिसन या फिर पार्शालिटी ना हो रिसर्च हो एनालिसिस हो ताकि बेहतर वर्ल्ड क्रिएट किया जा सके अकेडमिया को एक स्पेस मिले बिजनेस कम्युनिटीज को एक स्पेस मिले तो आप समझ ही गए होंगे कि रायसेना डायलॉग ओ क्यों जो है को होस्ट करता है प्लीज रिमेंबर रायसेना डायलॉग ओके नेक्स्ट इज अबाउट मल्टीलैटरल एक्सपोर्ट कंट्रोल रिजीम्स तो देखिए पूरी न्यूज़ में रहती हैं और आ, कई बार आपने इनका नाम सुना होगा पहले समझते हैं है क्या तो देखिए हम सब जानते हैं कि न्यूक्लियर वेपन्स गुड्स इसमें बहुत सारा एक्सपोर्ट इम्पोर्ट दुनिया भर में होता है कुछ कंट्रीज़ ऐसी हैं जो मोनोपोली रखती हैं इनके प्रोडक्शन में और कुछ कंट्रीज़ ऐसी हैं जिनके पास कोई प्रोडक्शन नहीं है कुछ ऐसी हैं जो बहुत ज़्यादा इम्पोर्ट करती हैं तो ये जो मल्टी लैट्रल एक्सपोर्ट कंट्रोल रिजीम है इनका ऑब्जेक्टिव ये है कि जिस भी तरीके goods, के गुड्स जो मिलिट्री पर्पस के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं उनका मिसयूज ना हो जिस पर्पज़ के लिए उनको बनाया गया है वो उसी पर्पज़ के लिए यूज़ हो और ह्यूमैनिटी के लिए खतरा ना हो तो वो ऐसा समझ लीजिए कि एक इनसाइडर ग्रुप है जो डिसाइड डिसाइड करता है कि यार हम मिलकर एक ग्रुप बनाएंगे और नोट्स हम सिर्फ आपस में शेयर करेंगे इसके बाहर किसको नहीं देंगे तो ये जो एक्सपोर्ट कंट्रोल रिजीम्स हैं ये एक इंटरनल एक इंसाइडर ग्रुप है जो कहता है कि हम आपस में ही एक्सपोर्ट इम्पोर्ट करेंगे क्यों क्योंकि हम जानते हैं कि हम रिस्पॉन्सिबली इस्तेमाल कर पाएंगे तो हर कंट्री चाहती है कि हमें इस इंसाइडर ग्रुप में एंट्री मिले क्योंकि एंट्री मिलने से आपको ये सामान मिलना आसान हो जाता है ये मेजर आइडिया है एक्सपोर्ट कंट्रोल रिजीम का ध्यान रखिएगा कि इसकी मेंबरशिप वॉलेंट्री और नॉन बाइंडिंग होती है यानी आप किसी को फोर्स नहीं कर सकते इसमें एंटर करने के लिए और ऐसा भी नहीं है कि आप इसमें एंटर हो गए तो ये बाइंडिंग हो गई आपके ऊपर कि अब आप किसी और को बेच नहीं सकते ऑफकोर्स आप रिस्पेक्ट के तौर पर या इस इस रिजीम के एक बाउंडेशन के तौर पर ऐसा कर सकते हैं बट इसके लिए कोई प्यूनिटिव एक्शन आपके अगेंस्ट नहीं हो सकता नॉन बाइंडिंग का यहाँ पर मतलब ये है आइडिया क्या है मैंने आपको बताया जो भी डेंजरस गुड्स हैं जिनका इस्तेमाल यू नो वर्ल्ड में टेरर क्रिएट करने के लिए या अननेसेसरी डिस्टर्बेंस क्रिएट करने के लिए किया जा सकता है उनके प्रोलिफरेशन को रोकना बट प्लीज़ प्लीज़ रिमेंबर ये यू UN के अंडर नहीं आती हैं ये एक बहुत बड़ा क्वेश्चन पूछ लेते हैं कि इज़ इट अ पार्ट ऑफ़ यू एन ऑर्गन ऑफ यू एन एजेंसी ऑफ यू एन दे वर्क इंडिपेंडेंट ऑफ यू एन और जो भी ये रूल्स बना रहे हैं वो किस पे काम करेगा सिर्फ उन कंट्रीज पे जो इसका पार्ट है मैंने कहा ना इनसाइडर ग्रुप है और किसी भी कंट्री के लिए ऑब्लिगेटरी नहीं है कि वो इन एक्सपोर्ट कंट्रोल रिजीम्स को ज्वाइन करें अगर इनसाइडर ग्रुप में आप आना चाहते हैं तो आप आए और ज़रूरी नहीं है कि आपको इनसाइडर ग्रुप में लिया भी जाए ओके okay. ना अभी कौन कौन सी मल्टीलैट्रल एक्सपोर्ट कंट्रोल रिजीम्स हैं ये आपको याद रखनी है और वो किससे रिलेटेड है ये भी आपको याद रखनी है तो पहला है न्यूक्लियर सप्लाई ग्रुप ये तो नाम से ही समझ में आ रहा है कौन सी टेक्नोलॉजी से डील कर रहा होगा न्यूक्लियर रिलेटेड टेक्नोलॉजी से नाम से क्लियर है न्यूक्लियर सप्लाई ग्रुप किससे डील करेगा न्यूक्लियर रिलेटेड टेक्नोलॉजी से ऑस्ट्रेलिया ग्रुप डील करता है केमिकल और बायोलॉजिकल वेपन से तो आप इसको ऐसे याद रख सकते हैं ए डील्स विद बी एंड सी ए बी सी सो ऑस्ट्रेलिया डील्स विद बायोलॉजिकल एंड केमिकल टेक्नोलॉजी ए डील्स विद बी एंड सी मिसाइल टेक्नोलॉजी कंट्रोल रिजाइम ये भी नाम से समझ में आ रहा है कि जो एरियल व्हीकल्स हैं जो मिसाइल रिलेटेड टेक्नोलॉजीज हैं वो किस में आएंगी मिसाइल टेक्नोलॉजी कंट्रोल रिजीम वासेनार अरेंजमेंट देखिए क्या है दो चीज़ों से डील करता है एक तो कन्वेंशनल आर्म्स कन्वेंशनल आर्म्स मतलब आप समझ रहे हैं कि आर्म्स दैट हैव बीन सिंस सो गन्स हो गई बॉम्ब्स हो गए जो हमेशा से इस्तेमाल किए जा रहे हैं अब देखिए डूअल यूज गुड्स क्या है देखिए डूअल यूज गुड्स वो होते हैं जो दो तरह से यूज हो सकते हैं डिफेंस पर्पसेस के लिए भी और सिविलियन पर्पसेस के लिए भी ये बड़े ट्रिकी होते हैं क्योंकि इनका मिस यूज आसान है डिफेंस या मिलिट्री कह सकते हैं इसको सिविलियन जैसे कि यूरेनियम तो एनर्जी प्रोडक्शन के लिए भी यूज हो सकता है और डिफेंस के पर्पसेस के लिए भी यूज हो सकता है तो इनके यूज़ को कंट्रोल करना इसके एक्सपोर्ट को कंट्रोल करना वासेनार अरेंजमेंट का पार्ट है राइट अब एक बात सुनिए इनमें से किस किस का है 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 ये याद रखना बिल्कुल जरूरी पाप अगर आप इसको भूल जाते हैं तो ऑस्ट्रेलिया ग्रुप का पार्ट है हम मिसाइल टेक्नोलॉजी कंट्रोल रिजिम का पार्ट है और वासेनार का पार्ट है बस एक जगह हमें एंट्री नहीं मिली है और वो है एन अभी तक हमें एस में एंट्री नहीं मिली है यह भी आपने याद रखना है क्यों नहीं मिली है अगला क्वेश्चन तो उसके लिए पहले समझते हैं तो मैंने एन कहा जी के नाम से समझ में आ रहा है कि वो ग्रुप है जो चाहते हैं कि न्यूक्लियर वेपन्स का प्रोलिफरेशन रोका जा सके तो किससे डील करेंगे ये न्यूक्लियर वेपन से इसको ना लंडन क्लब भी कहते हैं क्योंकि जो उनकी पहली मीटिंग हुई थी वो 1975 में लंदन में हुई थी तो ऑब्वियसली सारे 48 ऑब्वियोट कंट्रीज आपने याद रखना जरूरी नहीं है जस्ट हैव अ क्विक लुक एट द कंट्रीज एंड जस्ट रिमेंबर कि इंडिया इसका पार्ट नहीं है ये बात तो आपको याद रखनी है कि इंडिया इसका पार्ट नहीं है क्योंकि हम पार्ट बनना चाहते थे पर अभी हमें इसमें एंट्री नहीं मिली है आइडिया क्या है न्यूक्लियर ट्रेड पीसफुल पर्पजेज के लिए यूज हो और न्यूक्लियर वेपन्स उससे ना बनाए जाएँ बहुत ज्यादा एक्सप्लोड एक्सप्लोजिव डिवाइसेस नहीं बनाई जाए बट एट द सेम टाइम ऐसा ना हो कि इंटरनेशनल ट्रेड रुक जाए या कोऑपरेशन रुक जाए वो चलते रहना चाहिए लेकिन सही जगह पर इनका इस्तेमाल हो ये जो है रिस्पॉन्सिबली यूज हो ये इंश्योर करना किसका काम है एन या फिर न्यूक्लियर सप्लायर्स ग्रुप देन मैंने कहा छाप लीजिए कहीं दिमाग में कि इंडिया इज नॉट अ मेंबर ऑफ एनएसजी और कोई बड़ी बात नहीं है इसको समझना कि हमारे एंट्री किसने रोकी है चाइना ने तो देखिए एक्चुअली है क्या एन की गाइडलाइंस ये कहती हैं कि कोई भी कंट्री एन का मेंबर तभी बन सकती है जब उसने एन साइन किया हो एन पी एग्जैक्टली क्या होता है वो भी हम अभी डिटेल में देखेंगे नॉन प्रोलीफरेशन ट्रीटी न्यूक्लियर नॉन प्रोलीफरेशन ट्रीटी तो अगर आपने ये ट्रीटी साइन नहीं की हुई तो आपको एन में एंट्री नहीं मिलती ये याद रखिएगा तो सिंस इंडिया ने एन साइन नहीं किया हुआ चाइना का ये कहना है कि उसको एन में एंट्री नहीं मिलनी चाहिए हालांकि और सारी कंट्रीज अग्री कर गई थी हमारी मेंबरशिप से पर चाइना ने कहा कि अगर इंडिया को हम एंट्री दे रहे हैं ऑन दिस लॉजिक कि चलता है तो इस लॉजिक से तो फिर पाकिस्तान को भी एंट्री देनी चाहिए क्योंकि पाकिस्तान ने भी एन साइन नहीं किया बट ऑब्वियसली पाकिस्तान को इसमें ग्रुप में एंट्री देना वुड बी वेरी वेरी डेंजरस नोन एंड अन नोन रीजन्स बट द पॉइंट इज इस वजह से हमारी एंट्री एन एस जी में रुक गई ये आपको याद रखना है कि इंडिया इज नॉट अ मेंबर ऑफ द एन एस जी अब ये नॉन प्रोलिफरेशन ट्रीटी क्या है तो देखिए नाइनटीन सेवेंटी में ये जो है ऑपरेशनलाइज हुई थी आइडिया यही था कि न्यूक्लियर वेपन और न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी बहुत ज़्यादा दुनिया में ना फैले पर प्रॉब्लम क्या हुई एन पी टी ने दो स्टेट्स कैटेगराइज करें एक कहा न्यूक्लियर वेपन स्टेट्स और एक कहा नॉन न्यूक्लियर वेपन स्टेट्स बट प्रॉब्लम ये थी कि इन्होंने कहा वो कंट्रीज जिन्होंने न्यूक्लियर टेस्टिंग करी थी 1967 से पहले हम सिर्फ उन्हीं कंट्री को न्यूक्लियर वेपन स्टेट्स मानेंगे बाकी नॉन न्यूक्लियर वेपन स्टेट्स होंगे और वो न्यूक्लियर वेपन्स नहीं रख सकते बट प्रॉब्लम यह है कि न्यूक्लियर वेपन स्टेट्स अपने वेपन्स को ख़त्म कर देंगे

द पॉइंट इज कि हमें ये डिस्क्रिमिनेटरी लगी ट्रीटी फॉर द ऑब्वियस रीजन कि ये डिवेलप्ड uh, या फिर वो न्यूक्लियर वेपन स्टेट्स और नॉन न्यूक्लियर वेपन स्टेट्स के बीच में डिस्क्रिमिनेट कर रही थी और इसीलिए हमने इसको साइन नहीं किया एंड क्योंकि हमने इसको साइन नहीं किया इसीलिए हमें एन में एंट्री नहीं मिली क्योंकि एन की कंडीशन क्या बोलती है कि टू बी अ पार्ट ऑफ एन यू शुड साइन एन एक क्विक क्वेश्चन मुझे बताइएगा वो कौन कौन सी कंट्रीज हैं जिन्होंने एनपीटी साइन नहीं की हुई है एज ऑफ टुडे कमेंट बॉक्स में बताइए कौन कौन सी कंट्रीज ने आज की डेट में एनपीटी साइन नहीं किया हुआ है द नेक्स्ट इज वॉइस ऑफ ग्लोबल साउथ समिट अब देखिए क्योंकि इंडिया ने इसमें एक लीडिंग रोल लिया है इसीलिए एग्जाम परस्पेक्टिव से काफी इंपॉर्टेंट है इसका जो आ, इवेंट हुआ था उसे वर्चुअली ऑर्गेनाइज किया गया देखिए बेसिक आइडिया ये था कि जो साउथ ग्लोबल साउथ है ना ग्लोबल साउथ का मतलब क्या है बेसिकली वो कंट्रीज़ जो डेवलपिंग कंट्रीज़ हैं ब्रॉडली एशिया अफ्रीका और साउथ अमेरिका की कंट्रीज जो अभी डेवलपिंग डोमेन में आ रही हैं वो इस ग्लोबल साउथ का हिस्सा हैं राइट डेवलपिंग इन सम केसेस अंडर डेवलप्ड कंट्रीज़ तो आइडिया ये था कि वर्ल्ड व्यू में डेवलपिंग कंट्रीज़ का क्या ओपिनियन है उसको हाईलाइट करने की ज़रूरत है और वही वॉइस ऑफ ग्लोबल साउथ है पर्टिकुलरली जो इसमें डिस्कस किया गया था वो था कि वॉट आर वॉट आर द व्यूज ऑफ ग्लोबल साउथ ऑन इफेक्ट्स ऑफ द पैंडमिक एंड द वॉर इन यूक्रेन राइट तो बहुत सारे मुद्दों पर जो है डिस्कशन हुआ जैसे फाइनेंस एनर्जी एडुकेशन फॉरन अफेयर्स ये इसका मेजर ऑब्जेक्टिव था थीम क्या थी यूनिटी ऑफ वॉइस एंड यूनिटी ऑफ पर्पस यूनिटी ऑफ वॉइस यूनिटी ऑफ पर्पस आइडिया यह है कि ग्लोबल साउथ शुड कम टूगेदर ताकि वो पर्सपेक्टिव शेयरिंग कर सके कॉमन इश्यूज पर अपनी बात हाईलाइट कर सके और इस तरह से जो है वॉइस ऑफ ग्लोबल साउथ सामने आए तो डेवलपिंग कंट्रीज का क्या ओपिनियन इसमें है ये एक्सप्रेस किया गया प्राइम मिनिस्टर ने लीड किया इंडियन प्राइम मिनिस्टर ने इसको लीड किया और वर्चुअली इस इवेंट को ऑर्गेनाइज किया गया था सो so, एक एजेंडा भी दिया गया इसमें जिसके अराउंड भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं एक तो थीम हो गया यूनिटी ऑफ वॉइस यूनिटी ऑफ पर्पस एक एजेंडा दिया गया रिस्पोंड

Uh, जैसा कि मैंने आपको कहा इंस्टेबलिटी से रिलेटेड इसमें बातें हुई राइट right? और uh, किस तरीके के चैलेंजेस डेवलपिंग कंट्रीज़ फेल फेस कर रही हैं स्पेसिफिकली आफ्टर द कोविड नाइन्टीन पैंडमिक और हमारा क्या ओपिनियन है यूक्रेन कॉन्फ्लिक्ट से रिलेटेड वो सब इसमें जो है उसके क्या पॉसिबल सल्यूशन हो सकते हैं वो सब इसमें डिस्कस किया गया आइडिया uh, ये था कि इंडिया जो है ग्लोबल साउथ को इसमें रिप्रजेंट कर रहा है हम जानते हैं कि इस साल हमारे पास जी की प्रेजिडेंसी भी है तो इस कॉन्टेक्स्ट में और ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हो जाता है प्लीज रिमेंबर वॉइस ऑफ द ग्लोबल साउथ समिट थीम याद रखिएगा थीम के अराउंड क्वेश्चन बन जाते हैं नेक्स्ट इज अबाउट इंडिया अफ्रीका डिफेंस डायलॉग तो ये सेकेंड एडिशन है इंडिया अफ्रीका डिफेंस डायलॉग का और एक डिफेंस एक्सपो हुआ था गांधीनगर गुजरात में उसी के साइड लाइन्स में इंडिया अफ्रीका पर्टिकुलरली कौन से एरिया से ये डायलॉग है डिफेंस डायलॉग तो डिफेंस के एरियाज में सिक्योरिटी के एरियाज़ में कैसे स्ट्रेटेजाइज करने की ज़रूरत है सिनर्जाइज करने की ज़रूरत है ये इसका मेजर ऑब्जेक्टिव था और इसी से एक डेक्लेशन निकल कर आया जिसको हम कहते हैं गांधीनगर नगर तो पूछ सकते हैं गांधीनगर नगर किससे रिलेटेड है इंडिया अफ्रीका डिफेंस डायलॉग तो हमने ये डिसाइड किया कि हम जो है कोऑपरेशन करेंगे किन एरियाज़ में ज़्यादा से ज़्यादा ट्रेनिंग टीम्स के बीच में डेप्यूटेशन हो कैपेसिटी बिल्डिंग की जा सके ज़्यादा एक्सरसाइज में पार्टिसिपेशन हो मुझे बताइएगा अफ्रीका के साथ हमारी कोई डिफेंस एक्सरसाइज होती है गैलेट मी नो इन द कॉमेंट सेक्शन और इसके अलावा ह्यूमानिटेरियन असिस्टेंस कैसे दी जाए नेचुरल डिजास्टर्स के समय तो इन एरियाज में कोऑपरेशन की बात की गई ऑल्सो एक एडिशन निकाला गया ऑफ इंडिया अफ्रीका डिफेंस कोऑपरेशन पब्लिकेशन निकाला गया ऑन गांधीनगर नगर डेक्लेशन तो प्लीज़ टेक नोट ऑफ ऑफ दिस इम्पॉर्टेंट ऑल्सो इंडिया अफ्रीका सिक्योरिटी फेलोशिप प्रोग्राम भी इसका बाई प्रोडक्ट का तो क्या है ये फेलोशिप सिक्योरिटी एरियाज़ में रिसर्च को बढ़ाना तो दोनों कंट्रीज़ के ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को फेलोशिप दी जाए ताकि वो रिसर्च के डोमेन सिक्योरिटी uh, के डोमेन में अच्छी रिसर्च करें दिस इज़ इंडिया अफ्रीका सिक्योरिटी फेलोशिप प्रोग्राम पूछ सकते हैं कौन से डेक्लेशन से आया गांधीनगर डेक्लेशन आपने याद रखना है इंडिया अफ्रीका डिफेंस डायलॉग फाइनली इंडिया ऑस्ट्रेलिया ऐसा समझ लीजिए तरफ एक पहला स्टेप है इकोनॉमिक so, कोऑपरेशन के बाद आप कॉम्प्रीहेंसिव कोऑपरेशन तक जाते हैं तो so, अभी हमने क्या साइन किया इकोनॉमिक कोऑपरेशन एंड ट्रेड अग्रीमेंट सो दिस इज अग न्यूज राइट Uh, क्योंकि भारत ने ओ की ये थर्ड कंट्री है जिनके साथ एफ साइन किया है इससे पहले हमने ये जापान और साउथ कोरिया के साथ साइन किया है अ फ्री ट्रेड अग्रीमेंट सो डेफिनेटली शोज कि हम ऑस्ट्रेलिया के साथ अपने रिश्तों को बेहतर करने वाले हैं फ्री ट्रेड अग्रीमेंट का मेजर आइडिया क्या होता है कि जो टैरिफ है गुड्स पर उसको कम किया जाए और इतना कम किया जाए कि वर्चुअली हम ऐसी स्टेज पर आ जाएं जब दोनों के लिए ट्रेड बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल हो क्योंकि अगर ट्रेड ड्यूटीज नहीं होगी तो ट्रेड बढ़ेगा राइट आप प्रेफरेंस देंगे इन कंट्रीज के प्रोडक्ट्स को तो इंडिया को ऑस्ट्रेलिया जो है हंड्रेड परसेंट ऑफ इट्स टेरिस लाइन पे ये प्रेफरेंशियल एक्सेस देगा और इंडिया बदले में सेवेंटी परसेंट देगा तो ये याद रखना वो हमें हंड्रेड परसेंट दे रहे हैं और हम उनको सेवेंटी परसेंट दे रहे हैं इसके अलावा जो स्टेम ग्रेजुएट्स हैं स्टेम क्या होता है साइंस टेक्नोलॉजी इंजीनियरिंग एंड मैथमेटिक्स तो उनको पोस्ट स्टडी वर्क वीजा दिया जाएगा जो इंडियन ग्रेजुएट्स हैं ये बोला गया कि आपको क्या मिलेगा पोस्ट स्टडी वर्क वीजा बिना किसी ड्यूटी के 96 परसेंट ऑफ इंडिया एक्सपोर्ट टू ऑस्ट्रेलिया वुड बी ड्यूटी ड्यूटी फ्री एंड वील गिव 85 फाइव परसेंट ऑफ ऑस्ट्रेलियन एक्सपोर्ट ड्यूटी फ्री एक्सेस टू इंडिया तो नाइन्टी परसेंट प्रोडक्ट्स पे कोई ड्यूटी नहीं लगेगी सिमिलरली ऑस्ट्रेलिया के 85 प्रोडक्ट्स पे आप देखिए दिस इज व्हाट इज एफटीए आप एक ऐसी सिचुएशन क्रिएट करना चाह रहे हैं जहाँ वर्चुअली ट्रेड इज फ्री फ्री मतलब फ्री में सामान नहीं मिलते फ्री मतलब उन पर टैरिफ ना के बराबर लगता है तो ऑफकोर्स इससे हमारा बायलैटरल ट्रेड बढ़ेगा जॉब क्रिएशन होगी दिस इज व्हाट वी एम टू डू तो ये था पार्ट टू ऑफ द वीडियो पार्ट वन ऑलरेडी इस चैनल पे है आई वुड रिक्वेस्ट आप उसे देखें प्रलिम्स में आपको ये सारे टॉपिक्स बहुत हेल्प करेंगे दैट्स माई गारंटी टू यू एंड आई प्रे आपका प्रिल्म बहुत अच्छा हो प्लीज़ अपने नर्व्स को कंट्रोल करें काम रहें जितना काम रहेंगे आपने बहुत बार सुना होगा बट एज क्लीशेड एज इट साउंड इट इज़ ट्रू इफ यू एबल टू कंट्रोल योर नर्व्स इफ़ यूर एबल टू बी काम यू विल डेफिनेटली बी एबल टू आंसर फाइव मोर क्वेश्चन सो रिलैक्स एंड हैव फन विद द एग्जामिनेशन प्रोसेस ऑल द बेस्ट टेक केयर